नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और जिनको नहीं पता है, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। मैं आपको डेफिनेटली जो प्राइवेट क्लास नंबर 56 होने वाली है उसके लिंक्स मैं दे दूंगा, तो डेफिनेटली आप नीचे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर, जिसमें आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। और लकीली मैंने भी स्टॉक में आराम से 10% ज़्यादा ही कमाया, आपको दिखलाऊंगा, और 10% नहीं बोलूँगा बल्कि 20% मिला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बेसिक सी स्ट्रेटजी है, ठीक है, इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों इजी हो सकती है अगर आप कुछ सेटअप रूल को फॉलो करें। ये जो स्टॉक है जो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन में, ठीक है, मैंने खुद स्टॉक को बाई किया है अपनी रूल्स के हिसाब से। मैंने कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जितना मैं कर सकता हूँ जो रूल्स मैंने बनाए अपने के लिए उसके हिसाब से मैंने डाला था, ठीक है। मुझे एक डिसेंट रिटर्न स्टॉक पर देखने को मिला। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इस रूल को कॉपी करो, मतलब कि जितना मैंने डाला उतना डालो या उससे ज़्यादा डालो। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अंत में ध्यान रखना, जितने का प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो उतने का आप लॉस भी आपको ध्यान में रखना कि मुझे इतना लॉस भी हो सकता है। क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट में विदाउट लॉस कुछ नहीं है। हाँ, आप लॉस को थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉस आपको होगा नहीं, आप लॉस आपको होगा, लेकिन आप लॉस को थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आपको लॉस होगा ही होगा, नहीं होगा, लेकिन लॉस को कम कर सकते हो इस वीडियो से जो मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, ठीक है। तो अंत तक देखना। स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, अब आपको याद होगा नाम, बहुत दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये स्टॉक मैंने आपको दिया था 317 रुपये के प्राइस में, और क्यों दिया था वो भी मैंने आपको रीज़न बताया था। और वहाँ से स्टॉक अभी हमें ऑलमोस्ट हाई से बनाया है 356-357 रुपये का। स्टॉक ऑलमोस्ट 10-12% रिटर्न दे चुका है, और वो भी 6 या 7 दिनों के होल्डिंग में, ठीक है। स्टॉक का नाम लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो मतलब स्टॉक ऊपर गया, हमने पैसा कमाया, लेकिन मैंने पैसा ऊपर जाने पे ही नहीं कमाया, मैंने दोनों तरफ से पैसा कमाया। मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग को आप इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, या आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप उसको एग्जिट कर लीजिए। मैंने अभी तक दोनों काम नहीं करे, मतलब मैंने ना स्टॉक से एग्जिट कराया भी, और मैंने साथ में स्टॉक पर ट्रेडिंग करी है, इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग। आपको एक सेटअप बताया था जो क्लास हमारा 50 में होता, जिनको नहीं पता है हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो उससे कुछ सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैं आपको यहाँ नहीं बताता हूँ। तो वी आर स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक में वो सेटअप बाद में अपलोड होते हैं, वो सेटअप पहले आपको प्राइवेट में बताए जाते हैं। और बहुत सारे मैंने उसमें ट्रेड लेके भी देखे हैं, जैसे ये एग्जांपल है लक्ष्मी केमिकल, तो देख सकते हो। ये पहले मैं आपको सेटअप बातें बताऊंगा, पहले देखो मैंने कितना डाला, क्यों डाला। लक्ष्मी केमिकल है, 105 शेयर्स मैंने लिए, 316 की मेरी बाइंग है, 341 अभी चल रहा है, 35,000 की कुछ लागत आती है, जिसमें हमें 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये मोटा मोटी 8% का हमें गेन दिख रहा है, ठीक है। 8% का गेन हमें दिख रहा है, आप देख सकते हो कितना, 2,500 रुपये। और स्टॉक का ऑलमोस्ट हाई है 355 रुपये का, मतलब मोटा मोटी स्टॉक ने हमें 11% का रिटर्न दिया था। चाहता था मैं प्रॉफिट बुक कर सकता, मैंने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, मैंने लिखा ना ऊपर इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग। अब इसका मतलब क्या पहले वो समझो, ये मान के चलो मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है एक प्राइस में, और मेरा स्टॉक में स्टॉप 308 रुपये का है, मेरा स्टॉप 308 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉक हमें 1:3 का रिवॉर्ड दे चुका है, तो उसके हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हो चुका है हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से, एंड हम अभी प्रॉफिट में बैठे। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्टॉक से एग्जिट क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजन है ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग, मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज करो, ये पूरी साइकोलॉजी बेस्ड गेम है। मैं थोड़ा समझ चुका हूँ, ठीक है, अभी मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। और ये प्रॉब्लम शायद आपको अगर जय श्री राम की दुआ रही, ठीक है, भगवान की दुआ रही, आप लोगों का प्यार रहा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बहुत बड़े आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो स्टॉक है, तो ये जो स्टॉक है इसमें साइकोलॉजी बेस्ड गेम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप उसी में ट्रेड करोगे तो आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये मैंने करके देख चुका हूँ। मैंने ये स्टॉक में नहीं, मैंने जाइडस में बहुत बार किया है, मैं रोजाना जाइडस में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, 1,000 रुपये का लॉस होता है, मेरे जाइडस का मेरा यही सिस्टम है। मेरे पास जाइडस की कुछ क्वांटिटी पड़ी है, आई थिंक 200-300 क्वांटिटी, उसी में मैं रोजाना ट्रेड करता हूँ, और इन्वेस्टमेंट मेरा एक अमाउंट में हो रखा है। तो ये समझ लो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मैं ट्रेडिंग करूँगा स्टॉक में, ठीक है। अब ट्रेडिंग करने का तरीका समझो क्या है, तो ट्रेडिंग करके हमें कितना बना पहले वो देखते हैं। मेरा ट्रेडिंग का है
ठीक है, आप ट्रेडिंग का देख लेते थोड़ा। तो मैंने देखो एलेक्स कैमिकल दिख रहा है यहाँ, मेरे ट्रेड किए 379 क्वांटिटी, और मेरी बाइंग बैठती ये और मेरी सेल ये है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2% का हमें यहाँ रिटर्न मिला, प्रॉफिट देखो 2800। आप बात को समझना, ट्रेडिंग करके बना है 2800 और अभी इन्वेस्टमेंट करके बना है 2500 रुपये। तो मोटा मोटी इन दोनों को अगर आप जोड़ जोड़ देते हो तो 5200 रुपये का प्रॉफिट हुआ हुआ ना। और मेरी जो वहाँ वैल्यू लगी 35-32 हज़ार लगी। तो मोटा मोटी स्टॉक में मुझे कितने परसेंट रिटर्न आ गई, 20% के आसपास की रिटर्न आ गई मात्र 5 से 7 दिनों में, 20%, क्योंकि 8% वहाँ मिल रहा है और 10-11% यहाँ पर आ गया प्रॉफिट करके, ट्रेडिंग करके। आप ये सोच रहे हो आप लोग, भाई यार तूने इन्वेस्टमेंट भी कर ली ट्रेडिंग के लिए, कैसे पॉसिबल है? अब मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप। मैंने क्या बोला, मुझे पता है अपना सेटअप और मुझे बिलीव है मेरी, आप बोल सकते हो आप स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत बिलीव है, बाकी तो साइकोलॉजी बेस्ड गेम होता है। मैंने आपको बताया कि अब भाई आपने माइंड को मेकअप करो। अब ये 379 क्वांटिटी ही क्यों करी, मैं इसको ज़्यादा कर सकता था क्योंकि मेरे पास 100 शेयर्स पड़े। अब आप सोचे 100 शेयर्स पड़े और तुमने क्वांटिटी 379 करी, ऐसा क्यों? भाई मैं करने के लिए 1000 कर सकता था, मैंने 1000 नहीं करी। मैंने क्या बोला, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। तो 100 शेयर्स में रोजाना स्टॉक में बाय सेल करता हूँ, सिंपल 100 शेयर्स में रोजाना स्टॉक में बाय सेल करता हूँ, यही मेरी स्टॉक में स्ट्रैटेजी है, समझ गए? और इसी स्ट्रैटेजी को डेवलप करके ना, ये फॉलो करके ये प्रॉफिट आया है। अब बोलोगे सर सेटअप क्या है, तो सेटअप देख लो। अब आता है मेन सेटअप के ऊपर। केमिकल मैं चार्ट खोल दिया डेली, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने स्टॉक ना यहाँ पर क्यों बाय किया, यहाँ पर क्यों बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस ये क्यों था, ये मैंने ये आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी प्राइवेट क्लास में मैं बता चुका हूँ बहुत लोगों को बहुत पहले, ठीक है। बहुत लोगों को पता है मैंने यहाँ क्यों बाय किया, जिनको नहीं पता है मैं अभी छोड़ूंगा और यही बोलूंगा वी आर स्टॉक के हमारे इंस्टाग्राम पेज, वहाँ मैसेज पक्का करना। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करी वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ट्रेडिंग क्या करी वो बता देता हूँ, क्योंकि सबका क्वेश्चन होता है ट्रेडिंग का कुछ बताओ, ट्रेडिंग का कुछ बताओ, कीड़ा रहता है। तो मान के चलो मेरा जो बाय एक्टिव होता है इस कैंडल में होता, किस कैंडल में होता, इस कैंडल में होता एक्टिवेट जो है आपका 12 तारीख, और मैंने सिर्फ इसमें 1, 2, 3, 4 दिन ट्रेड करा, और इस 4 दिन ट्रेड का रिजल्ट आपने देख लिया वो है, और इन्वेस्टमेंट का भी रिजल्ट आपने देख लिया। अब ट्रेडिंग कैसे करी वो आपको बताया था। तो ट्रेडिंग में बहुत सिंपल रखता हूँ, एक प्यारा सेटअप है 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेकआउट का, फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा कलर जैसा भी चलेगा, जैसे ही लो ब्रेक होगा हम सेल मारेंगे, हाई ब्रेक होगा हम बाय करेंगे। तो मतलब मेरे पास 100 शेयर्स है तो 100 शेयर्स मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा क्योंकि हमारा सेल देखो टूट गया, ये मेरा स्टॉप लॉस जाएगा ऊपर का ही, ठीक है। और मैं वेट करूंगा कम से कम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, मतलब क्या निकल के आता है, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये जो कैंडल कैंडल बना है इसका जो साइज है इसके डबल का आप इंतजार करोगे नीचे के टारगेट का, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया था क्योंकि इसने 337 का लो लगाया था, तो यहाँ टारगेट अचीव हो गया क्योंकि देखो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो एक भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा पैसा बन गया ट्रेडिंग करके। यहाँ दूसरे दिन देखो यहाँ पर अब ये आपका डेट है 18 तारीख, 18 तारीख को देखो इसके हाई के ऊपर बाय करा हमने, ये स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पर हुआ क्या था, मैंने डाले थे 100 शेयर्स बाय किए लेकिन मेरे पास से मात्र 50 शेयर्स यहाँ पाए, तो मैंने 50 शेयर्स ने यहाँ बाय किया आराम से क्योंकि भैया ट्रेड हुई हो पाया, प्राइस आगे ऊपर गया, हमें पैसा बन गया ट्रेडिंग करके, 2 दिन पैसा बना, ठीक है। तीसरा दिन 17 तारीख, इस दिन क्या हुआ, इस दिन बिल्कुल वही हुआ, हमने हाई में ऊपर बाय किया ब्रेकआउट के ऊपर और ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है, मतलब सेल प्राइस था हमारा। तो आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो गया शॉर्ट का, हाँ चलो मान के चलता हूँ ट्रेड का एक्टिवेट हो गया हमारा, शॉर्ट हो गया, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट एक्टिवेट हो गया, सेल हमारा ट्रिगर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो मेरा जो स्टॉप लॉस जाएगा, मैंने ये कैंडल बोला आपको इसका हाई, लेकिन हाई नहीं रहेगा, मार्केट को देखते हुए हम अपना डिसीजन मेक करेंगे, ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा और मार्केट को देखना पड़ेगा कि उस समय उस दिन मार्केट कैसे कर रही है, मतलब प्राइस कैसा कर रहा है इसका बेसिकली। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है क्लोजिंग बेसिस का रहता है, तो देखो इस कैंडल ने क्लोज करा नहीं करा, नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। तो ये आपको जो स्टॉप लॉस लगाना क्लोजिंग बेसिस का लगाना, मतलब देखो इसने क्लोज करा एक हरा कैंडल तो ये मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब जो हाई बनाया इस कैंडल ने 327.50 का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा और मैं स्टॉक से एग्जिट कर दूंगा। और देखो ये हिट हुआ आपका इस कैंडल पे 327.50 आपका यहाँ हिट हुआ, तो मतलब ये जो मेरा स्टॉप लॉस था ये पूरा मेरा स्टॉप लॉस हो गया ना। तो ये मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ है अब मैं इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत सिंपल है। जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ शॉर्ट मारे 100 शेयर्स आपने यहाँ पर क्या करे एग्जिट कर दिए, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको 100 शेयर एग्जिट नहीं करना, यहाँ पर आपको 200 शेयर एग्जिट करना है ताकि 100 शेयर्स आपके खुद ऑटोमेटिक बाय हो जाए और इस प्राइस में बाय बैठ जाओगे और जैसे बाय करोगे इस स्टॉक आपका ऊपर चले गया और जो हमारा इंट्राडे में लॉस हुआ था वो यहाँ रिवॉर्ड आपका रिवॉर्ड बन गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में हम निकल गए, समझ गए। तो ये जो सेटअप है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलने में मदद करता है, अगर आप क्लोजिंग बेसिस का इंतजार करोगे तभी वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने में इंतजार मदद करेगा, अगर आप ऐसे स्टॉप लॉस लगा लोगे नहीं करेगा।
तो कंडीशन अप्लाई है कि आपको वेट करना है क्लोजिंग बेसिस का। तो इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, इस कैंडल में स्टॉप लॉस हो गया, यहीं हमने बाय बैठ गए एंड स्टॉक देखो यहाँ जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया मनुष्य बन में, समझ गए। तो इस दिन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। और फिर 16 तारीख को हमने ट्रेड किया, बिल्कुल 16 तारीख को आप देख सकते हो यहाँ भी हमारा बाय आया, ये स्टॉप लॉस था एंड स्टॉक आपका पंप होकर ऊपर भाग गया। तो हमने रिवॉर्ड करके मतलब ट्रेड करके पैसा कमाया आपके सामने ये रहा, ठीक है। 389 क्वांटिटी देख लो, चारा क्वांटिटी ली, मैंने बताया ना 400 क्यों नहीं यहाँ पर, क्योंकि 50-60 क्वांटिटी मेरी एक बार ट्रेड नहीं हो पाई थी, 100 डाली थी लेकिन 50 ही आ पाई, तभी ये क्वांटिटी इतनी कम है, ठीक है। तो आपके सामने ये ट्रेडिंग करके है और इन्वेस्टमेंट करके आपको पता है 30-32 रुपये लगाया बस, ठीक है। मुझे लगता है इस वक्त आपको 460 रुपये और 500 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। तो मैं स्टॉक पर रोज ट्रेडिंग ही करूंगा और जो रिजल्ट रहेगा आपको दिखा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मेरा अब स्टॉक में लॉस 1 रुपये का नहीं है। मेरा आपको बताया ना, मेरा जो लॉस था स्टॉक में मात्र 1000 रुपये का लॉस था, ठीक है। वो 1000 रुपये खोके मैं ऑलरेडी 5000 रुपये कमा चुका हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 1000 रुपये का था। 100 शेयर पड़े थे तो लॉस कितने का होगा, 1000 रुपये का ही होगा ना भाई 100 शेयर्स में, ठीक है। और प्रो रिवॉर्ड 5000 का आ चुका है, मतलब 5 गुना रिवॉर्ड आ चुका है। तो चाहो तो मैं स्टॉक से आपको अभी के अभी एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि 1000 खोने के बाद ना 10000 के ले लिया कर सकता हूँ। मुझे स्टॉक 1:10 का रिवॉर्ड देखे जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टॉक देखे हैं जो देखे गए हैं, ठीक है। तो मेरा स्टॉक में अगला टारगेट है 360 रुपये और 400 रुपये का, सॉरी। तो मुझे लगता है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले स्टॉक को मैं नहीं बेचने वाला। हाँ, मार्केट अगर क्रैश करती है तो डेफिनेटली मैं स्टॉक पर 308 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, मैं उसको लगा के एग्जिट कर दूंगा। लेकिन मैंने क्या बताया, मैं स्टॉक को सभी ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस हाई है कि मैं स्टॉक का पैसा भी कमा लूँ ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टमेंट करके तो कमाई लिया है, चाहो तो एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा मैं बने रहूंगा उसमें, क्योंकि मेरा एक प्लान है इसमें भी कि मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1:10 का रिवॉर्ड देखे जा सकता है। अब ये 1:10 क्या है, मैंने बताया ना आपको 8 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो रिवॉर्ड आपका 80-100 रुपये होना चाहिए। तो मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, मुझे स्टॉक आपको आराम से मुझे 30-35% मतलब 30% के आसपास का रिटर्न दे दे। मेरा टारगेट ये 30% का रिटर्न ही स्टॉक दे दे, और मुझे लगता है देके जाएगा, क्योंकि आपके सामने 15-18% तो आ रहा है, 15% आ रहा है। और कब बाय किया था, 15-16 तारीख को किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको प्लान ए बता दिया, ठीक है। प्लान ए मतलब क्या है कि स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया, वो मैंने आपको अपने प्राइवेट क्लास में बताया था, अगर आपको चाहिए लिंक तो मैसेज कर देना। प्लान बी समझा के ट्रेडिंग का, प्लान बी क्या है ट्रेडिंग का, आपको फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट में बाय सेल करना है। और ध्यान रखना, आप बोलोगे सर इसको किसी भी स्टॉक में कर सकते, नहीं बबुआ नहीं, यही तो गणित है, इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में ही स्टॉक को ट्रेड करना है, पहले समझो रूल को, साइकोलॉजी आपकी बिगड़ जाएगी। और जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ उसी तरीके में आपको उसको अप्लाई करना, हर किसी में करोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो स्टॉक को मैं सेलेक्ट करता हूँ वो मोमेंटम स्टॉक होते हैं, मतलब उन स्टॉक से मोमेंटम आना ही आना है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 3-4 HCL दिया था आपको, ठीक है, यहाँ दिया था पर भाग गया, टेक महिंद्रा दिया था, स्टॉप लॉस हुआ था स्टॉक में हमारा, लेकिन आज देखो कहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ बाय करने के लिए दिया था 1023 के आसपास, आज यहाँ ऑलमोस्ट 1137 हो चुका है, ठीक है। और आपके बहुत सारे स्टॉक है, एक दो नहीं, टाइटन दिया था, टाइटन यहाँ बाय करने के लिए दिया था, स्टॉक देखो कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक पाई ऊपर भाग गया और ट्रेडिंग करके भी हमने पैसा कमाया, दोनों करके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप इस पे कितने में निकले, मैं स्टॉक में निकला था 2400 के प्राइस में, इसमें निकला था मैं 2200-2300 के प्राइस में निकला था, लेकिन स्टॉक का मेरा 2500 ट्रेड करा, 200 रुपये मैंने नहीं खा पाया, समझिए। तो इसलिए भी ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट का सेटअप बना है, इन्वेस्टमेंट सही चल रही है लेकिन ट्रेडिंग करके ये जो 200 रुपये छूट गया मेरे से वो मैं कमाऊंगा, ठीक है। चाहो तो मैं भी एलेक्स केमिकल पे आउट हो सकता हूँ ना, मैंने ऑलरेडी कितने पॉइंट उसमें अचीव कर लिए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 340 चल रहा प्राइस एलेक्स केमिकल का, लेकिन ट्रेडिंग करने के बाद और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरा जो प्राइस है मैं भी ऊपर हूँ, मतलब 370 और 380 रुपये मेरे हिसाब से हूँ, मैं भी प्रीमियम में बैठा हूँ और प्राइस चला 340 रुपये। अगर नीचे गिरता भी है तो मुझे लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी कमा चुका हूँ जितना मेरा लॉस था, लॉस से ज़्यादा ही कमा चुका हूँ, तो समझ गए। तो साइकोलॉजी चेंज करो, साइकोलॉजी चेंज तभी होगी जब आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करोगे, फिर ट्रेडिंग सेटअप बनाओगे। यही गलती हम लोग करते हैं, हम पहले ट्रेडिंग करते हैं फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करो फिर ट्रेडिंग का सेटअप बनाओगे, गारंटी भैया पैसा लूज नहीं होगा आपका, आपको मज़ा आने वाला है भाई, मज़ा आने वाला है। मैंने भी ये गलती करी थी, मैंने सिर्फ पहले करा था ट्रेडिंग, तो आपको ट्रेडिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सिंपल से कुछ फॉर्मूले जिसको आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आप बहुत लंबा आपका सफर होने वाला है, मतलब आपको फिर बहुत लंबा टाइम लग सकता है ग्रो करने में स्टॉक मार्केट में। आपको पहले फोकस करना है इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद आप ट्रेडिंग में स्विच कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट
करने के बाद ट्रेडिंग आपको उसी स्टॉक में करनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, और सेम क्वांटिटी के साथ करनी है। ऊपर नीचे क्वांटिटी करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर लॉस भी उस हिसाब से देखने को मिलेगा। समझ आ गया? नहीं समझ आया तो आप बैंक रीच आउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, ट्विटर पेज पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में।